हेलो दोस्तों, पांचवें टेस्ट महामुकाबले के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने चार बड़े बदलाव के साथ कर दिया प्लेइंग 11 घोषित, जिसे देख इंग्लैंड के कप्तान भी चौंक गए हैं। जी हाँ दोस्तों, पांचवें टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने चार बड़े बदलाव के साथ प्लेइंग 11 बनाया है, जिन्हें देख आप सब भी चौंक जाएंगे। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों, पांचवें टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा आकाशदीप और साथ ही रजत पाटीदार को भी प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है। तो वही और दो प्लेयरों को जोड़कर बनाई है खुखार प्लेइंग 11। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही प्लेइंग 11 बताऊंगा जो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 घोषित किया है, और साथ ही में रोहित शर्मा ने केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल कर दिया है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए आराम दिया गया था, तो वही केएल राहुल चोट की वजह से टेस्ट कुछ मुकाबले से बाहर थे। लेकिन अब यह दोनों प्लेयर पांचवें टेस्ट मुकाबला खेलने के लिए तैयार है, और जसप्रीत बुमराह के आने से टीम इंडिया और मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि पांचवा टेस्ट मुकाबला 7 मार्च को खेला जाएगा और सुबह 9 बजे से खेला जाएगा और धर्मशाला के क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम में खेला जाएगा। और यदि दोस्तों आप लोग घर बैठे इस मैच का आनंद उठाना चाहते हैं, तो आप लोग जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस लिहाज से यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो का आप लोग अंत तक देखें और बिना स्किप किए हुए देखिएगा, और साथ में एक वीडियो का लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक मिलने से हमारा इंप्रेशंस बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को प्लेइंग 11 बता देता हूँ जो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 घोषित किया है। आखिर हम भी देखें कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कैसी प्लेइंग 11 बनाई है और कितनी शानदार प्लेइंग 11 बनाई है, क्योंकि पांचवा टेस्ट मुकाबला तभी तो टीम इंडिया आसानी से जीत पाएगी, क्योंकि टीम इंडिया भले ही सीरीज पर कब्जा कर लिया है लेकिन एक भी मैच एक तरफा नहीं जीता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को प्लेइंग 11 बता देता हूँ। तो आप लोगों को पहले नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। हालांकि चौथे मुकाबले के पहले इनिंग में रोहित शर्मा ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन दूसरे इनिंग में शानदार 55 रनों की योग्य पूल पारी खेली थी, और उनके साथ ओपनिंग करते नजर आएंगे यशस्वी जायसवाल, क्योंकि यशस्वी जायसवाल इस सीरीज में तो अपने बल्लों से तहलका ही मचा दिया है। और तीसरे नंबर पे खेलते दिखाई देंगे आप लोगों को शुभमन गिल, और शुभमन गिल भी अब मैच में फॉर्म आ चुके हैं और हर मैच में अपने बल्ले से रन निकाल रहे हैं। और चौथे नंबर पे आप लोगों को सरफराज खान बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि चौथा टेस्ट मुकाबले में सरफराज खान के बल्ले से कुछ रन नहीं निकला था, लेकिन तीसरे टेस्ट मुकाबले में बहुत ही शानदार परफॉर्म किया था। और पांचवें नंबर पे आप लोगों को रजत पाटीदार बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि रजत पाटीदार के अलावा कोई टीम इंडिया के पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि साथ ही साथ केएल राहुल भी चोट से बाहर है, तो इसीलिए रजत पाटीदार को खिलाना पड़ रहा है। और छठवें नंबर पर ध्रुव जुरेल आप लोगों को बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे, और इस बल्लेबाज ने तो चौथे टेस्ट मुकाबले में सभी क्रिकेट फैंसों का दिल जीत लिया, क्योंकि जिस तरीके से ध्रुव जुरेल ने पारी को खेला काबिले शानदार लायक खेला था। और सातवें नंबर पर आप लोगों को रविंद्र जडेजा खेलते हुए दिखाई देंगे, और आठवें नंबर पर रविशचंद्र अश्विन, और नौवें नंबर पर हमारे कुलचा यानी कि कुलदीप यादव आप लोग गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे, और दसवें नंबर पर जसप्रीत बुमराह कमबैक हो चुका है, क्योंकि एक मैच से उन्हें आराम दिया गया था, और ग्यारहवें नंबर पे मिया भाई यानी कि मोहम्मद सिराज। तो दोस्तों, यह होगी टीम इंडिया के पांचवें टेस्ट मुकाबले के लिए प्लेइंग 11। तब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।